अरे आकाश इधर आओ। नमस्ते सेक्रेटरी मैडम। कहाँ जा रहे हो तुम? मैडम वो पार्किंग में गड्ढा हो गया है ना, तो उसको भरवाने के लिए किसी को बुलाने जा रहा था। अच्छा वो सब तुम बाद में कर लेना, मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो गई है तो इसे साफ कर दो। गाड़ी साफ? पर मैडम मैं तो बिल्डिंग में केयर टेकर हूँ ना, और ये तो क्लीनर का काम है। क्लीनर से कार साफ कराने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, इसे तुम ही कर दो। पर ये लो चाबी और जल्दी साफ कर देना। पर मैडम ये तो आपका पर्सनल काम है, और अगर मैं यहाँ ये करता रहा तो फिर गड्ढा भरवाने में देर हो जाएगी। मैं ना इस बिल्डिंग की सेक्रेटरी हूँ, जितना बोल रही हूँ ना उतना करो, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में, समझे? कहाँ था भाई तू? अब तक लॉबी की लाइट ठीक क्यों नहीं करवाई? कब करवाएगा? सर मैं सेक्रेटरी मैडम का सामान खरीदने के लिए गया था। पहले लाइट्स ठीक करवाते ना, मेरा सामान क्यों लाए? मैडम आपने ही तो बोला था कि पहले सामान। मैंने ऐसा कब बोला? वो तो तुम बाद में भी ला सकते थे, पर नहीं, इसे तो टाइम पास करना होगा ना। पर मैडम देखो तुम्हें अगर काम नहीं करना ना तो बता दो, मैं दूसरा केयर टेकर ढूंढ लेती हूँ। आप चलिए मैं देखती हूँ। मैडम ये गलत बात है, आपने इनसे झूठ क्यों बोला? और मैंने बोला था ना सब शिकायत करेंगे। तुम ना ज्यादा मुंह मत चलाओ, इधर लाओ सामान और जाकर लाइट्स ठीक करवाओ तुरंत। अरे आकाश तुम्हारा फोन किधर है? कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ। पता नहीं मैडम, शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी। अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, ये ना कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स मेरे हस्बैंड घर पर ही भूल गए, तो तुम इन्हें जल्दी से जाकर उनके ऑफिस में दे आओ। पर मैडम ऑफिस तो 1.5 घंटे दूर है। तो मुझे आने जाने में ही 3 घंटे लग जाएंगे, और इतनी देर तक मैं बिल्डिंग छोड़कर नहीं जा सकता। ये पेपर्स मेरे हस्बैंड की मीटिंग के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चुपचाप जाओ और अभी देकर आओ उन्हें। मैडम अगर बिल्डिंग में कुछ हो गया और मैं नहीं रहा तो लोग मुझे ही सुनाएंगे। माफ़ कीजिए मैडम, लेकिन मैं नहीं जा सकता, आप किसी और को देख लीजिए। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं मैडम। ठीक है फिर निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। बहुत हो गया तेरा, मेरे पास एक दूसरा लड़का है जो तेरी जगह केयर टेकर की नौकरी कर लेगा। मैडम आप ये बहुत गलत कर रही हैं, इतनी सी बात के लिए मुझे बाहर निकाल रही हैं, और मेरी अभी तनख्वाह भी तो नहीं मिली है। 15 दिन बाद आना, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है कर लेना, समझे? चल। अरे निखिल। जी मैडम। कल रात से पानी नहीं आ रहा, तुमने टंकी में पानी नहीं भरा क्या? सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं। वो मैं भूल गया था मैडम, आज रात 10 बजे आएगा ना पानी, भर दूंगा। अच्छा ठीक है, आज रात को याद से भर देना। ये मेरी कुछ दवाई है, जाकर ले आओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है और हस्बैंड भी आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। आपकी दवाई मैं क्यों लाऊं मैडम, आपके पर्सनल काम के लिए थोड़ी हूँ, बिल्डिंग का काम करने आया हूँ मैं। तुम्हें नौकरी पर ना मैंने ही रखा है यहाँ, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? नौकरी पे बिल्डिंग के लिए रखा है ना, पर्सनल नौकर तो नहीं हूँ। मैं नहीं जा रहा कोई दवाई लेने, बहुत काम है मुझे। अरे तुम अब आप पहले से ठीक हैं? आप सीढ़ियों पर से बेहोश होकर गिर गई थी, आकाश अपना हिसाब करने आया था तो उसने आपको देखा और मुझे बता दिया, फिर हम आपको लेके हॉस्पिटल आ गए। अच्छा जी ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, अगर आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो हमें कॉल कर लीजिएगा। एक मिनट, मुझे आकाश से कुछ बात करनी है।
ठीक है। I'm sorry आकाश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की, तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया, और आज तुमने ही मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मैडम। जब तुम्हारे जाने के बाद मैंने नया केयरटेकर रखा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम कितने अच्छे हो, तुम बिल्डिंग में सबका कितना ख्याल रखते हो। मैंने तुम्हें निकाल कर बहुत बड़ी गलती की, तुम काम पर वापस आ जाओ ना प्लीज। ठीक है मैडम, मैं वापस आपकी बिल्डिंग में केयरटेकर बनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मैम, बस आप अपना ख्याल रखिए और कोई परेशानी होगी तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में है। टेक केयर। जोर से बोलो, hey!